रुक जाओ। कैसे सोच ले कि हम आपके अकेला छोड़ दें? अब कबो अकेला ना रही है, कहीं अकेला ना रही है, यहाँ हुआ कबो ना कहीं ना। अब अपन फीलिंग्स समझ ले ला तो हमार फीलिंग्स काहे ना समझ ला, काहे ना समझ पहला कि हम इतना दिन से आपसे प्यार करत रानी, हर रोज ये उम्मीद के साथ उठत रानी कि एक दिन आप हमरा आँख में अपना ला प्यार देखेंगे। हम जानत रहनी कि शायद हमके आपके प्यार कबो ना मिले, लेकिन एगो उम्मीद रहे जे बात हम कह ना पावत रहनी आप बिना कले समझ जाइए, फिर आप ना समझ ले। काहे इतना देर लगा देला, जब आप उम्मीद छोड़ चुकल बानी तब काहे हमसे उम्मीद कर रहल बड़? काहे आप इतना छोट बात के काहे ना समझ पहिला? I'm sorry, हम तोरा इतना दर्द देनी, इतना तकलीफ देनी हम तोरा, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद हमनी के बीच में कोनो दूरी, कोनो मिसअंडरस्टैंडिंग ना होगी, कुछ हो ना होगी। और अभी भी देर नहीं के भाई, तू अपन उम्मीद के छोड़ बैठल बड़ो ना, लेकिन हम तोरा कबो ना छोड़ब हम तोरा के। कहाँ गई ले? फ्रेश होके गई बानी लगा था। राज बड़ा हैंडसम लग रहा बाड़ा। राज हम सोचत रहनी कि आप इतना दिन बाद लौटल बाड़ा, तो कहे ना हमनी साथ में बैठी ढेर सारा बात करी, मतलब हम आपके सब बताई कि घर में का भइल और आप भी हमके जेल में के। अब नाना आप कुछ भी मत सुनैया, मतलब सुनाई तो हम ही बोलब कि आपके पीछे घर में काका भइल। देर हो जाए हमरा आइले में, इंतजार मत करिया। अरे राज रुका था, देखा हम आपके फेवरेट चीज बनवले बानी, देखा। बीतल बात याद मत रखल करा, जवन चीज हमार फेवरेट होत रहे आज ओकरे से हमरा चिढ़ पा। मन तो करेला के बस यह तरह तरह देखत रही, मुंह मत फेरा फुगी। आप हमके अब भी यही नाम से बुलाई बा? हाँ, अब ना। हाँ वैसे नाम तो सोचे के चाहिए, सीरियसली अभी सोचा था नहीं। फुग्गी ना तो फुग्गी फोन साइलेंट पे रख दाना, ना तो रिंगटोन जैसा नाम रखे के पड़े। हाँ
प्रज्ञा हमार फोन का ही ना उठा रहल बिया। थिंक पॉजिटिव तनु, अच्छा सोचा अच्छा होखी। हो सकेला वो दादी और अभी से बात कर रहा लोके, और का पता वो मान भी जाओ और कले हम घर वापस चल जाए। बस एक बार हमारा अभी से शादी हो जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाए। का करल बानी हम, तनु और इनकर सच जान के भी इनके दिल की बात बता देनी ये गलत है। सच जान के भी हम ये गलती ना कर सकेनी। रजिया मतलब आज हमनी दोनों राजी हो गई नी ना, तब राजी रजिया, रजिया राजी। हाउ इज दैट? ए रजिया अब फुगी, अरे काबिल ठीक बा, रजिया नाम ना कनो और नाम देता नहीं। वैसे भी रजिया तेरा सूट ना करी, वैसे तू बतावा तेरा कौन नाम चाहिए। तू चुप का है बड़ू, कुछ बोलत का है नहीं के। तू रोवत बड़ू, हम भी इतना स्टूपिड बानी ना, इतना रोमांटिक सेटिंग में हम नामकरण करा था नहीं। ठीक बा हम कोनो नाम ना देब, तू जोन चाहे हम तोरा बुलाई प्रज्ञा ठीक बा या यो हाइनेस। अब आप हमसे प्यार करेंगे ना? पिछला 2 घंटे से का चलत रहे यहाँ पे? ऑब्वियसली करेली, ये भी कोनो बतावे वाला चीज बा। कितना किलो के हिसाब से बताई? प्यार भी कोनो मेजर करे वाला चीज हो केला। फिर भी आप कितना प्यार करेले हमसे? बहुत प्यार करेली, कुछ भी कर सकेली तोरा खातिर। तो प्रॉमिस कर। हम प्रॉमिस करता नहीं, तू जोन बोलबू हम करब। तनु से शादी कर ली? You joking, right? अभी हमने एक दूसर से प्यार के इजहार कहनी और तू हमरा तनु से शादी करे खातिर कहा तारू। अभी हम तोहरा से कहनी कि हम तोहरा साथ अपन पूरा जिंदगी बितावे चाहत बानी, हम तोहरा बिना ना जी सकेनी और हमरा के खुद से दूर जाए के बात करा तारू। ये हमने दोनों के लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डे बा, तू कब से दिन के इंतजार करा तारू और तू हमरा से कहा तारू कि I'm sorry, हम तो हर बात ना माना बा। ना आप हमसे प्रॉमिस कहले बड़े की जी हम कहा बुक करबा। हम तोरा से प्रॉमिस कहले रहने यू गॉन मी, तू कुछ और सिचुएशन बना के बात कुछ और कर दिलू तू। प्लीज देख आप ये जलने के बाद की आप भी हमसे प्यार कर ले, लेकिन ये ऐसा ना बाकी प्लीज हमार तकलीफ और मत बढ़ावा। हम दादी से ऑलरेडी बात कर चुकल बानी, उनके मना चुकल बानी। दादी कह ले बानी कि अगर आप उनसे कहब कि आप तनु से शादी करे चाहत बानी तो उनके कौन ऑब्जेक्शन ना भी। तू दादी से बात कर ले लू और वो मान गए ली, हाउ इज पॉसिबल? कहा कह लू तू दादी से? ओए जी हम आपसे कह रहल बानी आपके तनु से शादी कर ले भी सही बा। वो गलत बा, कहे कि हम तनु से प्यार ना कर ले, हम उकरा से शादी ना कर सकेली। हम तारा से प्यार करे ली पर गया। Why don't you understand? अब हमने की जिंदगी बदल चुकल बिया, जिंदगी की प्रायोरिटीज बदल चुकल बिया। अब कौनो फर्क ना पड़ेला कि के केकरा से प्यार करेला। अभी अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात हो, वो बच्चा जो आपकी जिम्मेदारी है। हमने शायद एक दूसरा के बिना जी सकेले, लेकिन वो बच्चा अपन पिता के नाम और उसके साथ के बिना तो ओकर जिंदगी शुरू होके से पहले ही खत्म हो जाए, और ओकर जिम्मेदार हम हो कब? हम जाना था नहीं के बच्चा इम्पोर्टेंट बा, लेकिन का प्यार इम्पोर्टेंट नहीं के? अगर हम तनु से शादी कहीं नहीं तो हम ओकरा खुश ना रख पाएगा, हम खुद खुश ना रहा, तू खुश ना रहा, और दादी प्रज्ञा तू हमार जिंदगी के बारे में सोचा था रू? हम चार चार जिंदगी के बारे में सोचा था नहीं। अभी तो प्यार के एहसास भइल बा, जिए के वजह मिलल बा, गावे के सही वजह मिलल बा,
खुद के जानल बानी, जिंदगी के समझल बानी, और तू हमरा के और तू हमरा से दूर जाए के बात करत हो। सब समझी ले हम सच करल बानी, हम आपकी बता ना सके नी कि हम कितना खुश बानी जान की कि आप भी हमसे हमकी विश्वास ही ना हो रल भैया कि हमरे जिंदगी में ये दिन आए। लेकिन अगर अगर आज हम अपन दिल के बात मान लेनी तो शायद आप हमके मिल जाए, लेकिन ओकरे बदला में जिंदगी भर की गिल्ट रही। आगे जाके शायद हमने के बच्चा होके और जब जब हम होके देखब ता हर पल मन में ये गिल्ट रही कि ए बच्चा की खुशी के खातिर हम कोनो और बच्चा की खुशी छीन लेनी, हम आपसे अलग होके आपकी याद के सहारे जी सकेली, लेकिन ए बोझ के साथ ना जी पाई। आप जी पाई बतावा, हमनी के साथ के इतना बड़ कीमत चुका पाई आप, ता हमार बात मान ला। हम जानी ली बहुत मुश्किल है, लेकिन सही रास्ता कबो आसान ना होखेला। कुछ रिश्ता ना अजीब होखेला, ओकर कोनो नाम ना होखेला, ना कोनो मंजिल होखेले। शायद हमनी के कबो खुशी ना दे पावे, लेकिन बहुत बहुत कुछ सीखा के जाले। हमनी के ई रिश्ता के ई खूबसूरत मोड़ पे रोक देवे के चाही और अपन रास्ता अलग कर लेवे के चाही। कम से कम हमने जिंदगी भर ये सोच के खुश रह कि हमने के ये फैसला की वजह से क्यों और खुश पा। प्रॉमिस करा। काही कही जरूरी बा? हाँ, काहे कि तनु से आपकी शादी दादी के मर्जी के बिना ना हो सकत, और दादी हमसे साफ साफ कह देले रहनी कि वही शादी ला तबे मनी है जब हम दोनों उनसे कही कि फैसला हम दोनों के है। हम कुछ ना बोल पाए, हमरा में इतना हिम्मत नहीं की। आप सिर्फ हमरे साथे चला, हम सब संभाल ले। दादी, ये आगल बानी और जे आप कह ले रहनी हम कर देंगे। दीदी लगता ये अभी के मना ले लग। हम दोनों एक साथ आपसे ये कहे अलबानी की
तनु से इनके शादी के फैसला हम दोनों के बा। इनकर बीवी इनके शादी ला रजामंदी देले बिया दादी। अब बस आपके आशीर्वाद चाहिए, जोना के बिना ही शादी ना हो सकेले। जे तू बोल रहा बारू ना, हम एकरे मुँह से सुने के बा। बोला का तू भी उहे चाह तारा जे ई बोल रहल बिया। बोला तू तनु से शादी करेला राजी बाड़ा? दीदी एकरे बारे में हम कल फैसला सुनाई, अब तू चाहो हम क्या अकेला छोड़ दी? अकेला छोड़ दी हमके? का हो गए इंदु, हमने कहा सोच ले रहनी और कहा हो रहा बिया देख ला। ये दोनों एक दूसरा के प्यार कर ले फिर भी अलग हो के चाहत बारे, ऐसा कहा है हो रहा बिया। तू अपन सामान पैक कहे करत रहू? जाए के तैयारी करल बानी। बाकी दादी ऐसा थोड़ा ना कहनी, दादी तो अपन फैसला कन सुनाइए ना। हम जानी ले उनकर फैसला का होगी, ऐसे सामान पैक कर रहल बानी ताकि जब सुबह वो फैसला सुनावे तब हमके हमके कोनो चीज के इंतजार ना करे के पड़े। अरे ओके जाए से पहले एगो आखरी रिक्वेस्ट वा, हम तोरा गोद में अपन सर रख के सोए चाहत बानी।
कल रात तो हम प्रज्ञा की गोद में सोते हो रानी, फिर यहाँ कैसे है? प्रज्ञा, प्रज्ञा, रॉबिन, रॉबिन। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। प्रज्ञा कहाँ भी? सर पता ना सर, आज सुबह से कॉफी बनावे भी ना आई नहीं सर। वो ओके, ठीक बा। जी ठीक बा सर। कहूँ दादी के पास तो ना गए? दादी, दादी आप, दादी आप प्रज्ञा के कहूँ दिखले बानी हो, मिलत नहीं खे। वो तो कल रात तोहरे साथ ही चल गल रहे, ओकरे बाद हमरे पास ना आई। का है, का बात है? अब पता ना दादी, हमके लागत बा कहीं प्रज्ञा चल गई। मतलब ऐसे कैसे जा सकेले बिना बात कहले, बिना मिले? दादी ना वो रूम में भी आना, किचन में भी आ, राबिन से भी पूछनी, राबिन के भी पता नहीं के। तो अच्छा तरह से देखा, हमके पूरा भरोसा भी आ, हमार फैसला सुने बिना वो कहीं ना जाई। ठीक बता दी। ई कोनो बात ना भइल पूरब, अब तू परसों रात के आवे वाला बड़? दिस इज नॉट फेयर। बुलबुल काम डाउन। देखा तू जाने लग, ये अभी अलग अलग जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर ले बा, हमने के अब वो इतना कुछ कर ले बा, था हमार कुछ तो रिस्पांसिबिलिटी बने लाना। और हमरे रिस्पांसिबिलिटीज के का हमार ख्याल के रखी? बुलबुल तुहार ख्याल हम रखब, और क्या रखी तुहार ख्याल? रियली वहाँ से हम आ रहल बानी ने एक दो दिन में, तू इतना हाइपर काहे हो रहल बाड़ो? काहे कि हम जा रहल बानी अपन दोस्तन के साथ गोवा। तू हमरे बिना गोवा जाइबू? का बोल रहल बाड़ू तू? काहे तारा हम ऐसे घूमत फिरत अच्छा ना लगी लेका? दो दिन के बात बा यार, तू इतना स्ट्रेस कहे ले रहल बड़ू? उ कहा ना, जब हम यहाँ से चल जाए और फिर तू यहाँ आ जाएबा, हमार वेट करबा, हमके अच्छा ना लगी ना। ऐसे तू प्लान कर ला और 5 दिन वहाँ रह ला, ठीक बा? एंड आई एम गोइंग फॉर दिस वेकेशन, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा अच्छा अच्छा, हमार बात सुना। देखा तू आखिर अकेले वहाँ जाके का करबा? हम कल सवेरे ही वापस आ रहल बानी, फिर हम दोनों साथ में गोवा चलबा। और जीजू के इन्वेस्टमेंट के का वो हम देख ले, अगर काम खत्म हो गए तो सही बा, और अगर काम ना खत्म भेल तो अपन सारा मीटिंग कैंसिल करके हम तोरा पास आ जाए। बाकी तू कहीं ना जाइबू, प्रॉमिस है। बाय वेल्डन। बुलबुल आई मीन शादी से पहले तू अपन होखे वाला पति के मुट्ठी में कर ले लो। प्रज्ञा, प्रज्ञा का सवेरे से क्यों प्रज्ञा के देख ले बा? ना पर भाई का बा ला गेली प्रज्ञा। प्रज्ञा कहाँ चल गई रहलू तू? केहू के बताइलू बिना पता बस, सब कितना परेशान रहले। दादी के फैसला के वेट तो कर ले तू, कहाँ गई रहलू तू? और ये बैग लेके काहे? दादी के फैसला से जुड़ल हर इंसान की यहाँ होके के चाहिए, जो ना रहल ओके लेवे गए रानी। केकरा के?
अब बताएं दादी, काब तनु और इनकर सादीला आशीर्वाद देवे खातिर तैयार बानी? कहले रानी ना कि आप अब सुबह फैसला सुनाइब ता आज जे कहानी हम कही नहीं, आपके हर बात माननी, आप अब आप अपन फैसला सुना दी। प्रज्ञा बेटा, ये बोले के मत मत कहा हमके, हम ना कह पाई। दादी हम जानी ले आपके लाई ये फैसला कर बहुत मुश्किल है, लेकिन फैसला कर भी तो जरूरी बिया ना, और हम देर ना कर सकती सही वक्त ही फैसला लेवे की। प्लीज मना मत करी। दादी मुंह फेर लेला से या आंख बंद कर लेला से सच्चाई तो ना बदल जाए? आपकी फैसला करे हो कि दादी आपन आपन पोता की भलाई खातिर ई घर सबकर भलाई खातिर दादी। ठीक बा दादी, आप हम जानत बानी बहुत मुश्किल बात, तो आप ऐसन करी बस हमके घर से चल जाए की इजाजत दे दी, हम समझ जाए आपका फैसला कहले बानी। प्रज्ञा बेटा, ऐसन करे की ना बोला, हम तारा के ई घर में लेके आयल रहनी, अब तहरा के जाते खातिर कैसे बोल सकीले? प्रज्ञा हमारी इम्तहान मतलब बेटा, हमार इम्तहान मतलब। दादी इम्तहान था हमारा, आप हमार तकलीफ के और मत बढ़ावा। दादी दादी अगर आप हमके ये घर की बहु मल्ले बाड़ू से जरा से भी प्यार कहले बाड़ू, अगर आपकी हम पे जरा से भी भरोसा बिया ना कि हम हमेशा सही के साथ देता एक घर से जाए से आप हमके ना रुकी। ख्याल रखिए। ई उ पेपस बिया जे आपकी ई रिश्ता से आजाद कर दे, इमे लिखल बिया कि हमके आपकी दूसरा शादी से कोनो ऐतराज ना बा, हमके आपसे इस घर से कुछ ना चाहिए। प्लीज इ पे साइन कर दी। इ कहा प्लीज कम से कम आप तो ऐसा मत करो कि वो खातिर इस बासा ना बाल के जोन मासूम की जिंदगी ला हमनी सब करल बानी, सिर्फ ओ की याद रखो, हर काम आसान हो जाए। अब प्लीज साइन कर दी।
यस तनु, यू डिड इट। तू अपन सपना पूरा कर ले लू। पता ना एक कचरी किट्टी और टैक्सी के ही बुलबुल खाना देले बिया भी की ना। का कहब हम सबसे, ऐसे अचानक सबके सचता ना बता सकीले, कह देब की कुछ दिन खातिर रहे अलबानी, फिर धीरे धीरे सबके सब कुछ बता देब। एक घर में तो हमरे सिवा केहू काम करेला ही ना, अभी सब्जी भी हमके काटे के पड़ी। अब... प्रज्ञा, अरे तू, अरे हमार बच्चा, तू कैसे आ गई लू? अब बुलबुल माँ जी, जानकी देखा था क्या आयल बा? प्रज्ञा आयल बिया, तू ठीक बड़ो ना बेटा? हम बिल्कुल ठीक बानी। प्रज्ञा आयल बिया, अभी ना आयल? उनके तो छोड़ा ही नहीं हम। छी, ऐसन बात मुझसे ना निकाले के। मजाक कर अलबानी, हम घर अकेला आ भी ना सकेनी का? अरे तुहार आपन घर है बेटा, तू जब चाहे आ सकेलू। तो बस हम ऐसे ही आ गई नी दी, व्हाट अ सरप्राइज। दी तू कब आईलू और जीजू कहाँ बड़े? ऊना आईले, हम अकेला आयल बानी और एक दिन या कुछ घंटा खाती ना, पूरा 10 दिन ला आयल बानी हम। 10 दिन ला आयल बाड़ू दी तू? वैसे जीजू तो तरह के एक दिन ला भी ना छोड़े ले, 10 दिन ला कैसे छोड़ दे ले? और ड्रॉप करे खातिर भी ना आई ले। अरे तार जीजू आवे वाला रहले, उ सूट पे काम आ गल, तो हम कहनी हम अकेले चल जात बानी, तो हम आ गई। ठीक बा, अब तू कह रहल बाड़ू की काम आ गेल बा तो कामे आ गेल होखी, लेकिन तू पहले से ही बोल देही हम ऐसे ना जाए देब तोरा के। 10 दिन बाद जब घर जाए के होखी ना, तो ऊ तोरा के लेवे आई है तबे भेजब ना, तो हम तोरा के भेज अभी ना। हम अभी आई नहीं, तू जाए के बात कर रहल बाड़ू। बिल्कुल ना, अब 10 दिन तक केहू हमरे ससुराल के कोनो बात ना करी। अच्छा, ठीक बा, हम यहाँ वैसे नहीं रह जैसे पहले रहते रहनी, और आपके कोनो काम ना करे देब सिवाय एक काम। का काम? आपकी जब लागत रह कि हम प्रेग्नेंट बानी, तो आप प्रॉमिस कर ले रहनी ना कि हमार हर फेवरेट चीज बना के हमके खिलेंगी। अब प्रेग्नेंट ना सही, लेकिन आपकी आपके अपन प्रॉमिस तो पूरा करे के पड़ी ना। और बारिश के मौसम में ना आपके हाथ की ना प्याज के पकौड़ा बहुत याद आवेला हमके अपन ससुराल में, तो बस अदरक कद्दूकस के चाय और साथ में प्याज के पकौड़ा चाहिए हमके। रुक, हम अभी बना के ले बतानी। जानकी चल फटाफट तैयारी करे के बा, इला सब्जी भी ले ला। भाई आके तो तू हमार तबीयत खुश कर देलू, चला बेटा। अच्छा आपके आपके गेम कैसे चल रहे हैं? वही के वही अटकल बानी, तू जरा हमार मदद करी ना। प्रज्ञा भी ना खुद तो चल गई, अपन सामान ही जे छोड़ गई। ये देखा मंदिर, जाए से पहले मंदिर भी ना हटा के गई, हम तो पूजा करे लेना। तो रॉबिन से कह के एक ही हटा देवे तनी। ओ माय गॉड, हाँ बैंगल्स भी और ये बुक्स एला छोड़ के गई ताकि ओकर याद में हम पढ़ी। अभी हम सो हैप्पी कि दादी हमने की शादी ला मान गई ली। ये बुक्स हटा देता नहीं हम यहाँ से, और अब ये फोटो, अभी फोटो के भी यहाँ पे कोनो काम ना बा, एक ही भी हटा देता नहीं। Don't you dare touch this photo. पर काहे अभी?
हमने के शादी होखे वाला बा, तो ये फोटो के यहाँ पे का काम? हमने के शादी होखे वाला बा, अभी तक भइल ना, और जब तक हमने के शादी हो नहीं के जाना, दोबारा ये फोटो के हाथ भी मत लगाइया। तनु बस यहाँ से चल जा, हम अकेले रह जात बनी। अभी के मूड ठीक ना बा, आई थिंक के अभी परेशान ना करे के चाहिए। I said leave.